जानते थे यास्मीन, आप अपना ताज लेने एक न एक दिन जरूर आएंगी। आज से ये नूरे ताज आपका हुआ शहजादी। हमारा मतलब सुल्ताना यास्मीन। इसमें जो ये हीरा लगा है, ये दुनिया का सबसे ताकतवर हीरा है। इसकी मदद से आप किसी भी बुराई को खत्म कर सकती हो, लेकिन सिर्फ दो बार। एक बात और याद रहे, जिसको भी आ जाए समझ, सिर्फ उसी ने ये राज है जाना। कांच के टुकड़े होंगे हजार, जब अपना हक लेगी सुल्ताना। मतलब वक्त आने पे समझ जाएंगे। शुक्रिया दादी जान। शुक्रिया तो हमें कहना चाहिए, पर क्यों? यहां आने के लिए हमें इस नूरे ताज की हिफाजत की जिम्मेदारी से आजाद करने के लिए हमें अपने सीने से लगाकर हमारे दिल को सुकून देने के लिए चाहिए। हम दुआ करेंगे कि आप बगदाद को बचाने में कामयाब हों। हमारी यास्मीन का ध्यान रखिएगा। बेशक। हमेशा साथ रहिएगा। अल्लाह आपको सारी खुशियां दे। पढ़ पढ़ दादी जान की दुआएं, इसे टालने की नादानी मत कीजिएगा। रुकिए, आप अपने आप को बहुत बड़ा जादूगर समझते हैं ना? तो आज एक जादू हम आपको दिखाते हैं, जिससे आप एक पल में बगदाद पहुंच जाएंगे। अब शायद ये कहने का मौका मुझे दोबारा मिले ना। मोहब्बत सी हो गई है, हाँ तेरी आदत सी हो गई है। कहानी खत्म, पैसा हजम। अब आईना जफर को सब बता देगा। Thank you.
बेहतरीन बेहतरीन। मतलब हम जितना निकम्मा तुम्हें समझते थे तुम उससे कई ज्यादा कम निकम्मे निकले। आखिर तुमने इस आईने को ढूंढ ही लिया गुलगुले। क्या करूं क्या करूं मैं। पहले से ही हंस रहा है क्योंकि ये जानता है कि ये जीत गया और हम हार गए। मुंह से कपड़ा हटते ही ये आईना मेरी और भाई की सभी पोलें खोलने लगेगा। अब तो कोई फरिश्ता ही हमें बचा सकता है। प्यारे फरिश्ते, मतलब हमेशा वाला भाई और प्यारी परेशानी जी, आप लोग आ गए। भाई सूरज ढलने वाला है। काली चोर, हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। हाँ, हमें इस आईने का इंतजाम करना है। चलो चलो। अंगूठी छाप कहाँ है? वो भी इन सब के साथ जिंदा मुर्दा बन गया। क्या? कालचोर, फौरन इस मनहूस आईने को तोड़ो और सबको वापस ले आओ। टूट क्यों नहीं रहा है? लक्षड़ी, तुम्हारे अब्बू ने खत में भी लिखा था और पड़पड़ दादी जान ने भी कहा था कि इस नूरे ताज से हर बुराई खत्म हो सकती। तो फिर अभी तक ये आईना सही सलामत कैसे? इस आईने के मायने बिगाड़ पाना इस ताज के बस की बात नहीं है। मेरी मानो तो अपने इस आखिरी वक्त में अल्लाह को याद कर लो, क्योंकि मेरी जिंदा मुर्दों की फौज आती होगी। पिटेगी तुम। काली चोर, नूरे ताज तो आईने के सामने बेअसर है, अब हम क्या करेंगे? क्या करें? दादी जान ने क्या कहा था, याद है? जिसको भी आ जाए समझ, सिर्फ उसी ने ये राज है जाना। कांच के टुकड़े होंगे हजार जब अपना हक लेगी सुल्ताना।
हाँ तो? हाँ तो नचड़ी, मुझे इसका राज समझ में आ गया। लेकिन हम दोनों को कुछ नहीं समझ में आया, क्या क्या मतलब क्या हुआ? दादी ने जो कहा था उसमें खास मतलब छिपा हुआ था। क्या? मैं बताता हूँ, कांच के टुकड़े होंगे हजार जब अपना हक लेगी सुल्ताना। कांच यानी हमारा दुश्मन ये आईना, और सुल्ताना यानी नचड़ी। जैसे ही वो अपना हक लेगी यानी सुल्ताना बनेगी, इस आईने के हजार टुकड़े हो जाएंगे। पर इसका मतलब? इसका मतलब ये नचड़ी कि हमें फौरन इसी वक्त तुम्हारी ताजपोशी करनी होगी। तुम क्या कह रहे हो काले चोर? ताजपोशी पूरी आवाम के सामने, दरबार में, शाही तख्त पर धूमधाम से की जाती है, और तुम कह रहे हो कि हम ऐसी ताज पहन ले? नहीं, अगर अब्बू इस वक्त यहाँ होते तो कभी इसकी इजाजत नहीं देते। काले चोर देते नकचड़ी, वो इजाजत देते, क्योंकि उनके लिए भी आवाम से बढ़कर कुछ भी नहीं था, और हम भी जो कर रहे हैं वो आवाम की भलाई और उसकी हिफाजत करने के लिए कर रहे हैं। प्यारे परेशान जी, भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारे पास वक्त बहुत कम है, जो भी करना है जल्दी कीजिए। चलो, हम इन जिंदा मुर्दों को पार करके दरबार तक कैसे पहुंचेंगे? मेरे जादू से। पतले हैं कमजोर, पहलवान हैं तगड़े, बदल जाए मेरे कपड़े। वो दरअसल दरबार जाते वक्त कोई मुझे मेरे असली हुलिया में ना देख ले, इसलिए। चिनू चुप रहो और जल्दी से जादू करो। दो दूनी चार, हम चले दरबार। क्योंकि आईना हर मायने बदल देगा। इंसानों को इस आईने के असली मायने बताने का वक्त आ गया है, क्योंकि आईना हर मायने बदल देगा। मेरे प्यारे जिंदा मुर्दों, मेरे साथ आओ। अगला हमला दरबार पर होगा, क्योंकि आईना हर मायने बदल देगा। आओ मेरे साथ। ये पी लीजिए, आराम मिलेगा। इससे तो जरूर आराम आ जाएगा, लीजिए। इससे भी नहीं, ये लीजिए भाईजान, अजवैन है। अजवैन साला नवाज, मैं उसका काम नहीं कर रहा, मर गया। मैं देखती हूँ, मैं और क्या ढूंढ सकती हूँ। अंगूठी छाप के इशारे का इंतजार करो, इशारा अब तक पहुंचाना चाहिए था, मतलब वो किसी मुसीबत में फंस गया है। इसका मतलब है कि खतरा बढ़ गया है। अब इस पेट दर्द के नाटक से कुछ नहीं होगा, कुछ और खेल खेलना पड़ेगा। भाईजान,
बहन, तुम्हारे किसी ने उसके खातिर सही निशाने पर लग गया, मेरा पेट ठीक हो गया। बहन बोलता हूँ, पानी मिलेगा? जी जी जरूर मिलेगा। ये लीजिए भाईजान, उबलता हुआ पानी। माफ करना रुखसार बहन, मेरे पास तुम्हें इस कमरे में रोकने के लिए और कोई तरीका नहीं था। अब जब तक तुम्हारा जांबाज बेटा इस बगदाद में लगी मुसीबत की आग को बुझा नहीं देता, तुम इस कमरे में महफूज रहोगी। अल्लाह उसकी मदद करे। किसने कर दिया? आईना और गुलगुला भी गायब है, कहीं ऐसा तो नहीं हुई जिंदा मुर्दों ने उन्हें मार कर दोनों को उठा कर लेकर चले गए? नहीं नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि गुलगुले को उठाना बड़ा ही मुशक्कत का काम होगा। हाइना कहाँ चला गया? अगर हमने उसकी बुरी ताकतों को आजाद नहीं किया, हम मलिका तक कैसे पहुंचेंगे? देखें तो सही, खिड़की के बाहर चल क्या रहा है। सारे सिंधा मुर्दे दरबार की तरफ जा रहे हैं। कौन है? कौन नहीं बोल बोला तुमने? हाय 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 हाय, कहाँ कहाँ थे आप? आप जानते हैं हम आपका इंतजार कर रहे थे। चलिए बताइए, आप हमें अकेला छोड़कर कहाँ चले गए थे? मैं तो यहीं था, तुम्हारे बहुत पास। बस तुम मुझे नहीं देख पाए। क्या मतलब पास? हमें जो करना होगा जल्दी करना होगा। शाही तलवार लेकर तुम तैयार रहो, बाकी की तैयारी मैं करता हूँ। कालीचूर, अब्बू नहीं रहे, काश मम्मी हमारे साथ होती। अच्छड़ी, अब्बू अम्मी हो ना हो, लेकिन उनकी दुआ अपने बच्चों के साथ हमेशा होती। मलिका बेगम के वापस आने के बाद तुम्हारे ताजपोशी का धूमधाम से जश्न मनाया जाएगा। Thank you.
आओ ना चढ़ी, तख्त पर बैठो। अब एक ना एक दिन तो हमें जाना ही है, जब ऐसा हो सल्तनत का सहारा बने। हम चाहते हैं तो हमारी बेटी दुनिया का मुकाबला करने के लिए तैयार हो। बगदाद के तख्त और आवाम के लिए आपसे अच्छा वारिस कोई नहीं हो सकता। यह हमारा फैसला है शहजादी, आप ही बगदाद की सुल्ताना बनेंगी।